हेलो एंड गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल बच्चों, हमें कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी सेफ और सुरक्षित। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, बिकॉज आज का जो ब्लॉग है वो है गुड़गांव से। हम लोग डोडा से निकल के गुड़गांव आ चुके हैं, और नोएडा से गुड़गांव का ब्लॉग मैंने नहीं किया। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई ब्लॉग नहीं, जस्ट रेस्ट डे था। और जैसे ही मैं ब्लॉग चालू करता हूँ, ये लड़की यहाँ पे आ जाती है ब्लॉग बॉम्बिंग करने के लिए। कोई नहीं, तो आज के ब्लॉग में क्या क्या हम करने वाले, क्या क्या मस्ती, क्या क्या धमाल होने वाला है, वो जानने के लिए ना आपको ना इस वीडियो को ना बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिएगा बस, ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग से नोटिफिकेशन मिलते रहे। सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा। और फिलहाल आपको दिखलाते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। फिलहाल जो है दीदी इस किचन में बैठ के, ओहो माय गॉड, कुछ स्पेशल की तैयारी चल रही है। इसकी इसके बारे में बात हम शाम में करेंगे। ऑल सेट दीदी? यस। और यहाँ से निकलते हैं, और ये चीकू इधर भटक रही, घूम फिर रही है। ओ चीकू, तैयार हो? ऑल सेट। और यहाँ पे जो है ये सब तैयार हो रहे हैं। प्यूडी तैयार हो चुकी है? प्यूडी तैयार नहीं हुई अभी। ब्रेकिंग न्यूज सुनाओ। क्या है ब्रेकिंग न्यूज, जल्दी बताओ। अभी आपके बनियान में मैं अपना पाउडर पोस्टर वाली थी। कौन तुमको? मैं अच्छा हुआ भाभी जी को थैंक्स बोलने बता दी। तुम्हारे त्रिपाल से मैं फिर छत बना लेता मैं। तो यहाँ पे ये तैयारी चल रही है, देखते हैं बाकी जगह क्या तैयारी चल रही है। फिलहाल इस रूम में ये भाई साहब जो है बस मस्त कैप पहन करके बैठे हुए हैं जैसे। और ये मैच कौन सा मैच चल रहा है? लाइव है? अच्छा, ये हाईलाइट देख रहे हैं भाई साहब। और देखिए दूसरे रूम में क्या तैयारी चल रही है, आप उसे मेरी आवाज आएगी। और यहाँ जो है, ओ भाई साहब, ये यहाँ आदि तैयार है। और मेरे सड़ू भाई जो है, क्या चल रहा है आपको, क्या हो रहा है? बस सोने की तैयारी, सोने की, सब कुछ उठाने का फिर सोने की तैयारी है, मोबाइल में लगे पड़े हैं। तो फिलहाल यही तैयारी चल रही है। और आपको एक चीज बता दूं, ये आप पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, ये पीहू ने अपने हाथों से बनाया है। और एक और पेंटिंग है, पीहू का हाथ बहुत अच्छा है पेंटिंग में, स्पेशली ये पेंटिंग भी पीहू ने ही बनाया है। तो फिलहाल यही सब मस्त यही टाइम पास चल रहा है। तो रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद मिलते हैं और बताएंगे कहाँ जाएंगे। फाइनली जो है हम सब रेडी तैयार हो करके लिफ्ट पे आ चुके हैं, लिफ्ट जा रहे हैं नीचे और फिर यहाँ से निकलेंगे। वही ये नहीं देखेगी तो मेरे को परेशान परेशान कर देगी। तो फिलहाल हम सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कोई कौन बताएगा? ट्रैम्पोलिन पार्क। ट्रैम्पोलिन पार्क, ट्रैम्पोलिन पार्क जा रहे हैं। बस वही नहीं जाना बेटा। क्या यही मस्ती हो रही है? चलते हैं, जहाँ चलते हैं आपको देख दिखलाते हैं। और फिलहाल एक बहुत ही बेटा मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। एक बहुत ही स्पेशल चीज दिखलाता हूँ मैं आपको, काला घोड़ा। वो काला घोड़ा क्या है, यहाँ से निकलते तब दिखलाते हैं, काले घोड़े से बनवाते हैं। काला घोड़ा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अभी अभी भैया ने ये MG की न्यू हेक्टर प्लस गाड़ी ली है, जिसका जो मतलब एवरेज है पिकअप ऐसा भी बहुत दमदार है। अंदर से इसका जो इंटीरियर्स है बहुत ही ज़बरदस्त है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी बहुत ही बढ़िया, पूरा बड़ा सा स्क्रीन दिया हुआ है और बहुत कम्फर्टेबल कार है। तो इसी से हम घूमने वाले हैं। तो बस आदि और सब लोग बैठ चुके हैं, जय कनक का और दीदी का वेट हो रहा है, जैसे या तो रानी जी का वेट हो रहा है, जैसे वो लोग आते गाड़ी बैठते फिर चलते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है
कि दीदी लोग जय की कार में है। जय ने भी कार ली है, होंडा की अमेज। पर ये कार खुली है या बंद है? कार खुली हुई है, ये कार दिखाता है 1500। होंडा की अमेज और इसका बूट स्पेस भी बहुत ही बढ़िया है। देखा जाए तो अच्छा खासा स्पेस है, तो बहुत ही पावरफुल कार है होंडा की, अच्छी कार है। तो फिलहाल ये लोग जो है इस गाड़ी पे जा रहे हैं, बच्चे पार्टी में उस गाड़ी पे जाएंगे। तो चलिए जहाँ चलते हैं वहाँ चल के आपको दिखलाते हैं। फिलहाल रास्ते के नज़ारे का मज़ा लीजिए, गाड़ी बैठ के आपको और गाड़ी कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे। हाँ जी, तो फिलहाल जो है हम लोग अभी इस वक्त आर्या मॉल में है और यहाँ पे हम लोग आए हैं गेम जोन में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, चिल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से कहीं और जाएंगे। जो ट्रैम्पलिंग पार्क की बात हो रही थी और यहाँ का जो माहौल है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। पूरा आज हल्का हल्का धूप भी निकला हुआ है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। आदि लोग उस साइड चले गए, हम लोग इस साइड आ गए हैं, तो चलते उनको ज्वाइन करते हैं और आप जाकर फिलहाल जो है नज़ारों से मजा लीजिए। मॉल से निकल के वूपी जंपिंग ट्रैम्पलिन पार्क में है और यहाँ का क्या रेट्स है, कैसे क्या चीज़ है, अंदर चल के आपको दिखलाते हैं और बताते भी हैं। गूगल मैप पे आप बस वूपी डालेंगे ना गुड़गांव में, आपको दिख जाएगा, आपको सीधे यहीं पे लाके पहुँच जाएगा। तो चलिए आपको दिखलाते हैं अंदर से कैसा है वूपी ट्रैम्पलिन पार्क। We'll be right back.
हाँ जी, तो फाइनली वो भी ट्रैवलिंग पास से निकल के घर पे आ गया है, और घर पे आने के बाद जो तैयारी चल रही है वो है फिलहाल आपको किचन में दिखाते हैं। किचन में तैयारी चल रही है, किचन में ये मस्त कोयला जला के कुछ तैयारी चल रहा है, और ये चल रहा है मस्त फिलहाल कुछ तो चल रहा है तैयारी। और बताता हूँ तैयारी किस चीज़ की है, तैयारी चल रही है बारबेक्यू की। बारबेक्यू होने वाला है जबरदस्त वाला, और अरुण भैया लगे हुए, और ये दोनों मैडम बैठ करके सीरियल देखे जा रही है। ये लोगों को सीरियल देखने के अलावा कोई काम नहीं है, बस चलिए बारबेक्यू लगता है। बारबेक्यू दिखाते हैं आपको आराम से। चिकन आ चुका है और बहुत ही टेस्टी, कैसा व्यू एक नंबर। ये लो अपना पेट पकड़ो। ये है खाते खाने का मिलता आराम से बैठते हैं तो अभी तो खाते हैं, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है। कैसा तुम गाइस? ऑसम। पाइनएप्पल तो टू गुड है। नहीं मस्ती चल रही है जॉन को ना, अभी तक करते नहीं हमारे साथ। चलिए सुनते हैं। फाइनली जो है सारा पक के हो गया है, ऑल सेट, खाते हैं। वो तो बस टेस्टिंग चल रहा था हम लोग का, बन रहा था टेस्टिंग हो रहा था, फाइनली पूरा बन के आ गया है, पूरा ट्रे में रखा हुआ है, खा रहे हैं सब लोग। रजनीश जी जो आए हुए हैं, दीदी आए हुए हैं, सब लोग आ गए हैं। ग्रेट इंडियन खिचड़ी तो खाते हैं, मस्ती करते हैं। चिनू थोड़ी देर में आ रहा है, फिर खाते तब तक। ये तो स्टार्टर है, मेन कुछ बाकी है, मेन कुछ दिखाएंगे क्या है स्टार्टर के बाद, तो मिलते हैं मेन कोर्स के खाने के समय में। हाँ जी, तो फाइनली जो है खाने में ना बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी, और बिरयानी बस निकल के आ रही है गरम गरम, अभी ओवन में है, और जस्ट बिरयानी खा करके फिर लोग सो जाएंगे मस्ती आराम से। तो बिरयानी खाते हैं, बिरयानी खाने के बाद मिलते हैं आराम से। अरे तो फाइनली जो है खा पी के हो गया है, और मस्त खाने के बाद खाने को पचाने के लिए ये लाहौरी जीरा पी रहे हैं, और लाहौरी जीरा पी के हम खाना पचाएंगे। सोडा शिकंजी टाइप से है ये, और इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज अभी जो है रात के 1:45 बज चुके हैं, और कल सुबह हमें निकलना है वापस पटना के लिए। तो कल शाम की फ्लाइट है, तो हमें 3-4 बजे यहाँ से निकलना होगा। तो पटना, यहाँ से पटना तक का जो व्लॉग है वो आपको अगले हफ्ते अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, और इसी के साथ ना इस व्लॉग को बस आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिएगा बस, ताकि आपको आने वाले दिनों के व्लॉग से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ ये कमाल कमाल की स्टोरीज और रील्स डालते रहता हूँ। इसी के साथ मिलते अगले मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दस्तदानिया, बाय बाय।